बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आला लेक्चर सीरीज। आप देख रहे हैं LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1 पेपर 3 टाइटल्ड ए सोशियोलॉजी 1। आज का हमारा टॉपिक है सोशल ग्रुप्स। तो टाइम वेस्ट के बगैर सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। अ ग्रुप इज कॉल्ड सोशल व्हेन एन इंटरेक्शन इंटरप्लेस अमंग इट्स पार्टिसिपेंट्स। सोशल इंटरेक्शन इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द सोशल ग्रुप। पीपल वॉकिंग इन बाजार in fairs, traveling in bus are not social group because social interaction among them does not exist. 2% in Lahore and Rawalpindi have interaction on telephone form a social group, although they are far away from each other. Therefore, social interaction is a basic condition of social group. वो इस introduction में क्या बताना चाह रहा है? वो इस इंट्रोडक्शन में ये बताना चाह रहा है कि कोई भी सोशल ग्रुप होगा, उसकी जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ होगी वो उनके दरमियान इंटरेक्शन होगा। कि अगर उनके दरमियान इंटरेक्शन है तो वो क्या है? वो एक सोशल ग्रुप है। अगर उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं है तो वो एक सोशल ग्रुप नहीं हो सकता। तो किसी भी ग्रुप को सोशल बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसको इंटरेक्शन चाहिए। और अगर आपको सोशल इंटरेक्शन का पॉइंट समझना है तो आप, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से समझ लीजिएगा कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है। सोशल ग्रुप को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है कि किसी भी मौके पर किसी के साथ आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से मिलते जुलते हैं, वो क्या कहलाता है? वो सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। इसमें वो मिसाल देना चाह रहा है इंट्रोडक्शन में कि लोग जो शहरों में मिल रहे होते हैं, बाजार में और मुख्तलिफ जगह पर मूव कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, वो एक ग्रुप नहीं होता। ग्रुप के लिए क्या है कि एक इंसान इस्लामाबाद में है और एक इंसान लाहौर में रहता है, कराची में रहता है। अगर उन दोनों का आपस में इस तरह का ताल्लुक है कि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं तो वो क्या होगा? वो एक इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उनका वो ग्रुप होगा, अदरवाइज उनका ग्रुप नहीं होगा। तो मोस्ट पीपल हैव अ सेंस ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अ ग्रुप, वेदर इट इज़ अ सोशल मूवमेंट, स्पोर्ट्स टीम, स्कूल क्लब और अ फैमिली ग्रुप कनेक्ट अस टू द अदर थ्रू कम्युनल ट्रेडिटीज ऑफ द जियोग्राफी इंटरेस्ट रेस रिलीजन एंड एक्टिविटीज। कि एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, मजहब की बेसिस पर, इलाके की बेसिस पर, मफादात या नस्ल की बेसिस पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं। तो सोशल ग्रुप में की सबसे पहली अहम चीज़ क्या हो गई? सोशल ग्रुप में सबसे अहम चीज़ हो गई सोशल इंटरेक्शन। कि आपने क्या करना है, किसी भी ग्रुप में जो सबसे अहम चीज़ है वो उनका आपस का इंटरेक्शन है। कि वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका ग्रुप है, अदरवाइज सोशल ग्रुप नहीं होगा। दो लोगों के मिलने से सोशल ग्रुप नहीं बनता, दो लोगों के आपस के मफादात शेयर करने से, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने से सोशल ग्रुप बनता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म सोशल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू ओगबम एंड निमकोव, व्हेन एवर टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, दे मे बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज करते हैं, तो क्या मतलब हो गया कि उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने सोशल ग्रुप बना लिया। तो एक दूसरे के मफादात शेयर करने का नाम, एक दूसरे से मिलने जुलने का नाम क्या है? सोशल ग्रुप है। दो लोग आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो क्या बना लेंगे? वो ग्रुप बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू एमोरे, अ नंबर ऑफ पर्सन, टू आर अ मोर हु हैव कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, who are stimulating to each other, who have common loyalty and participate in similar activities are called as group. दो या दो से ज़्यादा लोग जिनका कोई एक मकसद हो, कोई एक ऑब्जेक्ट हो, कोई एक इंटेंशन हो,
जो कि एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हों, एक दूसरे को उकसाते हों, एक दूसरे से मिलते जुलते हों, गुफ्तगू करते हों, या उनके जो मफादात हैं वो कॉमन हों, उनकी लॉयल्टीज़ कॉमन हों और वो एक ही तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हों, तो वो क्या बना लेंगे? वो एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप की सबसे अहम चीज़ क्या है कि ग्रुप में कम से कम दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप में कम से कम दो लोग ज़रूर होने चाहिए। दो लोगों के मिलने से ही सोशल ग्रुप बनेगा, अदरवाइज सोशल ग्रुप नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू AW ग्रीन, एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स विच परसिस्ट इन टाइम, विच हैज़ वन आर मोर इंटरेस्ट आर एक्टिविटीज़ इन कॉमन एंड विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड, के एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का मजमुआ जो क्या करते हैं, वक्त के साथ प्रसिस्ट करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, और उनके आपस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनके मफादात होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, वो कॉमन होते हैं और वो बड़ी तंजीम के साथ रहते हैं। जैसे आप कोई भी अपनी सियासी जमात देख लें, उसमें सदर होगा, नायब सदर होगा, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सारे ओहदे होंगे और हर एक का अपना अपना काम होगा, अपना अपना क्राइटेरिया होगा। इस तरह से कोई भी ग्रुप होगा, उनके जो आपस के मफादात होंगे वो कॉमन होंगे। अकॉर्डिंग टू मेरिल, टू आर मोर पर्संस आर इन कम्युनिकेशन ओवर एन एप्रिसेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड हु एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉमन फंक्शन आर अ पर्पस, कि ऐसे दो लोग जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, कोई कॉमन मकसद, कॉमन बात शेयर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सोशल ग्रुप कहलाते हैं। यहाँ तक हमने सोशल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन पढ़ी। सोशल ग्रुप के लिए क्या चाहिए? कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए और वो क्या करते हों? वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हों, गुफ्तगू करते हों और वो एक दूसरे के मफादात शेयर करते हों, उनका आपस का इंटरेस्ट सेम हो, गोल सेम हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को सोशल ग्रुप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप की कौन कौन से टाइप्स होते हैं? वी मे क्लासीफाई ग्रुप फ्राम वेरियस व्यू पॉइंट इफ़ वी कंसिडर साइज एज द क्राइटेरिया। द सिंगल पर्सन एज फोकस ऑफ अ ग्रुप रिलेशन इज मोनेड टू इंडिविजुअल्स टू इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन टू अफेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इज डायड एंड ट्राइड विद पार्टिसिपेशन ऑफ द थ्री। इफ वी कंसिडर द नेचर ऑफ द सोशल ग्रुप एंड सोशल कॉन्टेक्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ द सोशल इंटरेक्शन द टाइप ऑफ द ग्रुपिंग विल बी सच। वो ये बताना चाह रहे कि जो सोशल ग्रुप होते हैं ना, हम उसको मुख्तलिफ चीज़ों को बुनियाद बनाकर ना तकसीम करते हैं। जैसे अगर हम उसकी तादाद का पॉइंट ऑफ व्यू लें, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री की बात करें, तो अगर एक मेंबर होगा तो वो जो सोशल ग्रुप होगा वो मोनेड कहलाएगा, अगर दो होंगे तो डाई, अगर तीन होंगे तो ट्राई। लेकिन वो कहता है कि अगर हम देखें कि इनका जो ग्रुप के मेंबर है उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, उनका आपस में शिद्दत कैसी है, वो एक दूसरे से किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इन तीन चीज़ों को हम क्राइटेरिया बनाकर सोशल ग्रुप को डिवाइड करें, तो फिर सोशल ग्रुप की कौन कौन सी टाइप्स बनती हैं? प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, मेंबरशिप ग्रुप, नॉन मेंबरशिप ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो वो कह रहे हैं कि ग्रुप की 8 काइंड्स होंगी अगर हम सोशल कॉन्टेक्ट और सोशल इंटरेक्शन को बुनियाद बनाकर ग्रुप्स को तकसीम करते हैं, देन द सोशल ग्रुप विल बी ऑफ द 8 काइंड्स। अब हम वन बाई वन इन काइंड्स की डिटेल पढ़ते हैं। प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप से क्या मुराद है? वो कहते हैं कि प्राइमरी ग्रुप डेफिनेशन, मैनी साइंटिस्ट क्वाइन डेफिनेशन ऑफ द सोशल ग्रुप इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आर गिवन बिलो। C.H. Cole, C.H. Cole क्या कहते हैं? Gives this type of social group in the book Social Organizations. Primary groups is the simplest and the most universal of the all forms of associations. These groups attains social solidarity among the members due to high rate of interaction, intensity in social contact, duration of contact, being extensive and having a common focus of attention for the members. के C.H. Cole के मुताबिक जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है? वो सादा तरीन और पूरी दुनिया में पाए जाने वाला ग्रुप है, हर जगह मौजूद होता है। इस ग्रुप के अपनी सॉलिडेरिटी है, इस ग्रुप का अपना स्टेटस है
और इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत शिद्दत का होता है, लोगों का आपस में बड़ा ज़बरदस्त कांटेक्ट होता है, इसकी ड्यूरेशन भी बहुत लंबी होती है। ये ऐसा ग्रुप है जो कि लंबे अरसे तक चलता रहता है और ये एक्सटेंसिव जामे किस्म का है, और इसके जो फोकस होता है वो ज़्यादातर इसके मेंबर्स पर होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्लर एंड पेज, ग्रुप मीन्स एनी कलेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु आर अब्रॉड इनटू सोशल रिलेशन विद वन अनदर। ग्रुप का मतलब क्या होगा कि लोगों को इकट्ठा करना किसी खास सोशल रिलेशन के तहत एक दूसरे के साथ। ऑगबर्न एंड निमकोफ, वेन एवर टू आर मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर कार्ड सोशल ग्रुप, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम एक साथ मिलाते हैं और वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को असरअंदाज करते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, वो सोशल ग्रुप बना लेते हैं। A number of person, two or more, who have a common object of attention, who are stimulating to each other, who have common loyalty and participate in similar activities are called as group. के दो या दो से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग जिनका एक ही मकसद हो, जो कि एक दूसरे को stimulate करते हों, जो कि एक दूसरे के साथ अपनी loyalties भी share करते हों, वो क्या बना लेते हैं, वो social group बना लेते हैं। इसके बाद है characteristics of primary group. प्राइमरी ग्रुप की क्या खूबियां हैं, डियर आर द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप। फेस टू फेस इंटरेक्शन, लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है। प्राइमरी ग्रुप आर करेक्टराइज्ड बाय क्लोज इंटीमेट एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये आपस में बड़े एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जो इनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है वो फेस टू फेस होता है। जैसे अगर एक ख़ानदान है, उसके जो लोग हैं वो आपस में फेस टू फेस मिलते हैं। इंटीमेसी, इनमें बड़ी दोस्ती होती है, बड़ा लगाव होता है। इन दिस ग्रुप एवरीवन नोस एवरीवन एल्स एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी अमंग द ग्रुप मेंबर्स, दे आर इवन नोन टू द निकनेम ऑफ देयर मेंबर्स। इनका आपस में बहुत गहरे ताल्लुक होते हैं, बड़ी शिद्दत होती है, और ये एक दूसरे के निकनेम्स भी जानते होते हैं। म्यूचुअल एड एंड हेल्प, इनका आपस में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा भी होता है। म्यूचुअल एड असिस्टेंस अमंग द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ऑलवेज फाउंड, दे कोऑपरेट विद ईच अदर एट द टाइम ऑफ द हेल्प। ये जब भी एक दूसरे को मदद की ज़रूरत होती है, ये एक दूसरे के साथ तआवुन करते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, ये एक दूसरे पर मेहरबान भी होते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड एग्जिस्ट, इट मीन्स दे रिकोगनाइज वन अदर एंड एक्सप्रेस इट्स व्हेनेवर नीडेड। ये एक दूसरे को तस्लीम करते हैं, एक दूसरे को अपना मानते हैं, और जब भी किसी को ज़रूरत होती है ये उसको मदद करते हैं। वी फीलिंग सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉमनैलिटी इज फाउंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इट मीन्स दे लिव टुगेदर एज वन बॉडी। इनका आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, और इनका एक मतलब भाई जिस्म और जान जैसा ताल्लुक होता है। ये आपस में एक दूसरे पे आंच नहीं आने देते और एक दूसरे का दिफा भी करते हैं। स्मॉल इन साइज, प्राइमरी ग्रुप आर स्मॉलर इन साइज, लार्ज नंबर डिक्रीजेस इंटीमेसी एंड लूज द बॉन्ड ऑफ द ग्रुप, कि इनकी जो तादाद होती है वो कम होती है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा होगी तो इनका जो आपस का ताल्लुक है, जो शिद्दत है, वो कम पड़ जाएगी। फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, ये एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं। फेस टू फेस रिलेशन कैन बी फाउंड ओनली व्हेन मेंबर्स लिव इन अ पार्टिकुलर एरा मोर और लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस, के एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंट्रैक्शन होने की वजह से ये कम या ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं, एक दूसरे पर इनसार करते हैं। फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, इनका जो इंटरेक्शन होता है, जो मेल मिलाप होता है, जो बातचीत होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप इज़ फ्रीक्वेंट एंड इट कैन बी मेनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 100 दफ़ा मिल लेते हैं कि ख़ानदान के लोग। पर्सनल रिलेशन, इनके आपस में ज़ाती किस्म के ताल्लुकात होते हैं। इन दिस इंटरेस्ट ऑफ ईच इज सेंटर्ड इन अदर्स एज अ पर्सन, दे इंट्रैक्ट विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल रिलेशन, ये एक दूसरे के साथ ज़ातियात की बेसिस पर मिलते जुलते हैं,
उनसे बातचीत करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ द बैकग्राउंड, इनका जो बैकग्राउंड है वो भी एक जैसा होता है। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप मस्ट हैव मोर और लेस सिमिलर बैकग्राउंड, एक ही खानदान के लोग होंगे तो एक ही माँ बाप के बच्चे होंगे, या फिर माँ बाप सौतेले हो सकते हैं, वो कभी कभार होता है, ज़्यादातर नहीं होता। दीज कंडीशन आर नेसेसरी फॉर प्राइमरी ग्रुप्स, फैमिली मेम्बर लाइक फादर मदर ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन आर द मेम्बर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप, नेबरहुड मेम्बर्स आर आल्सो इन दिस ग्रुप, क्लोज रिलेटिव्स आर आल्सो इन दिस ग्रुप, क्लोज फ्रेंड मे फॉल इन दिस कैटेगरी। वो कहते हैं कि एक जो ख़ानदान होता है, जैसे माँ हो गया, बाप, बहन, भाई वगैरह, बीवी, बच्चे, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी ग्रुप होते हैं। इसके अलावा जो हमारे नेबरहुड मेंबर्स, जो हमारे हमसाए वगैरह होते हैं, और क्लोज रिलेटिव्स, करीबी रिश्तेदार लोग, ये भी किस ग्रुप में आ जाते हैं, ये भी हमारे प्राइमरी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। एनी पर्सन हु इज इन्फ्लुएंस एंड बिल्ड्स हिज पर्सनैलिटी फ्राम अदर पर्सन इज़ अ मेम्बर ऑफ हिज प्राइमरी ग्रुप, all such person affecting personality of the individuals are his primary group members, any person to whom you cannot refuse is a member of your this group, such group is the most important for the individuals, aisa group jo ki insaan ki shakhsiyat ko behtar karne mein madad kare, aisa group jo ke group ka member jisko insaan apni zindagi mein inkar na kar sake, aur aisa insaan jo ki hamari zindagi par bahut zyada asar andaaz hota ho। ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइमरी ग्रुप्स में आ जाते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स में हमारे दोस्त आ जाते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार आ जाते हैं, बहन भाई वगैरह, ऐसा कज़न जिससे हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ हो, जो कि हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देता हो, वो भी हमारे प्राइमरी ग्रुप में शामिल हो जाता है। इसकी मिसालें क्या हैं, फैमिली, नेबरहुड, प्ले ग्रुप, गॉसिप ग्रुप एंड द गैंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी ग्रुप। ग्रुप जो होगा वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ही लगाए। शायद सोशल इंटरेक्शन का टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि एक जो बच्चा होता है, जब उसका इंटरेक्शन अपनी टीनेज में अगर अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए स्टूडेंट्स के साथ होगा, दोस्त बनेंगे, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब दोस्त बनाएगा। और अगर उसका नेगेटिव लोगों के साथ, ड्रिंकर, स्मोकर, गैम्बलर, इन लोगों के साथ अगर उसका इंटरेक्शन होगा, तो वो भी इन्हीं की सोहबत में इन्हीं जैसा यार बन जाएगा, इन्हीं जैसा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो गैंग होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, इनका भी ग्रुप होता है ना, तो वो कहते हैं ये जो गैंगस्टर होते हैं, इनका भी प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं, भले उन्होंने जुर्म ही करना हो, बट दे आर कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, इंटरेक्शन, इंटीमेसी, वी फीलिंग, काइंडनेस, कॉन्शियसनेस। ये आपस में एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में बड़े अच्छे साथी होते हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, इसीलिए ये भी प्राइमरी ग्रुप में कंसिडर्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फैमिली ही प्राइमरी ग्रुप में आए, बल्कि कोई ऐसा ग्रुप जिसकी तादाद कम होगी, जिसका आपस में ताल्लुक शदीद होगा, जिनका आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वी फीलिंग होगी, तो वो सारे प्राइमरी ग्रुप कंसिडर होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज सेकेंडरी ग्रुप। दिस टाइप वॉज गिवन बाई दी मैकवर, दी पीपल विद इन देयर कॉन्टैक्ट सेकेंड टू दी प्राइमरी ग्रुप फॉर्म सेकेंडरी ग्रुप, नो मैटर वट टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इज देयर। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपकी ज़िंदगी के लोग जो कि आपकी ज़िंदगी का प्राइमरी ग्रुप नहीं बनाते, भले उनकी कोई भी तादाद हो, वो कोई रिश्ता भी हो, लेकिन अगर उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, शदीद नहीं हैं, आप एक दूसरे के साथ घुल मिल के नहीं रहते, आपस में कोई जज्बा नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, तो वो आपकी ज़िंदगी के क्या लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी के सेकेंडरी ग्रुप के लोग हैं। ठीक, दी इंटीमेसी विद इन द ग्रुप इज़ रिलेटिवली लोअर देन दी दैट इन प्राइमरी, दी रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, बायर एंड सेलर, वोटर एंड कैंडिडेट आर दी सेकेंडरी। वो कह रहा है कि मिसालें इसकी क्या हैं, कि इनका आपस में जो रिश्ता होता है, जो ताल्लुक होता है, जो शिद्दत होती है, वो कम होती है। जैसा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का ताल्लुक होता है, वो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के हद तक होता है, और कोई गहरी इंटरेक्शन वगैरह तो नहीं होती। इसी तरह से जो एक बायर और सेलर, कि हम जो चीज़ ख़रीदने जाते हैं और उसका मकसद क्या है, उसने वो चीज़ बेचनी है, तो उसका जो हमारा ताल्लुक है वो कितना है, वो सिर्फ इतना है चीज़ बेचने और ख़रीदने के हद तक। इसी तरह से जो वोटर है और जो कैंडिडेट है,
जो हमारा नुमाइंदा है वो सिर्फ हमें उसी वक्त ही मुंह लगाता जब वोट का सीजन चल रहा हो, अदरवाइज तो वो हमारे किसी हाल से भी वाकिफ नहीं होते। जैसे कुछ अर्सा पहले सैलाब गुजरा है तो आप देख लीजिए कोई MNA उस इलाके का, कोई MPA वगैरह, किसी ने कोई मदद की हो, कोई हेल्प की हो, तो वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये किस में आते हैं, ये सेकेंडरी ग्रुप में आ जाते हैं, इनका आपस में जो ताल्लुक होता है, जो शिद्दत होती है वो कम होती है। दिस ग्रुप इज सेकेंड इन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ द पार्टिसिपेंट, हियर इज द फर्स्ट इफेक्टेड बाय द प्राइमरी ग्रुप मेंबर एंड लेटर बाय दोज इन द सेकेंडरी ग्रुप। दी वो कहते हैं कि इनका जो आपस में ताल्लुक होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का, जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो प्राइमरी ग्रुप है, और जिसका सबसे कम होगा वो सेकेंडरी ग्रुप होगा। सेकेंडरी ग्रुप की मुख्तलिफ डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे कि ओगबर्न एंड निमकोफ, ग्रुप विच प्रोवाइड एक्सपीरियंस लैकिंग इन इंटीमेसी कैन बी कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि आपको तजर्बा देता है, एक्सपीरियंस देता है, और उनका आपस में जो इंटीमेसी होती है, जो लगाव होता है, वो ना होने के बराबर होता है, तो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी ग्रुप। फ्रैंक डी वास्टन, इन सेकेंडरी ग्रुप इज लार्ज एंड मोर फॉर्मल, इज स्पेशलाइज्ड एंड डायरेक्ट इन इट्स कॉन्टैक्ट एंड रिलाइज मोर फॉर यूनिटी एंड कॉन्टिन्यूस अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन देन डज द प्राइमरी ग्रुप। वो कहता है कि आपका जो सेकेंडरी ग्रुप है वो बड़ा है, वो फॉर्मल नेचर का है, और उसका जो कॉन्टैक्ट है वो कम है, उसमें उनमें यूनिटी भी, इत्तेहाद भी कम होता है, और स्टेबिलिटी भी न होने के बराबर होती है, जैसा कि प्राइमरी ग्रुप में होती हैं, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी ग्रुप में नहीं होती। तो सेकेंडरी ग्रुप के लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, इनके दरमियान इंट्रैक्शन कम होगा, इनके दरमियान जो मोहब्बत है, लगाव है, शिद्दत है, वो भी कम होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, फॉलोइंग आर द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप। लार्ज इन साइज, मेंबर ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज देन द प्राइमरी ग्रुप, दे कैन बी थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ मेंबर। सेकेंडरी ग्रुप के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, प्राइमरी ग्रुप की तरह से दो चार लोग नहीं होते, बल्कि हज़ारों में लोग होते हैं, या फिर लाखों में भी लोग हो सकते हैं। लेस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, इनका जो आपस में नियरनेस होती है, जो इनका आपस में ताल्लुक होता है, शिद्दत होती है, वो भी कम होती है। देयर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज रियली फाउंड एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर रेस्ट क्वाइट ऑलवेज फ्रॉम ईच अदर्स। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई करीबनेस नहीं होती, कुछ भी करीबी रिश्तेदारी नहीं होती, दूर दूर से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के साथ बड़े दूर के रिश्तों में होते हैं। इम्पर्सनल आर सेकेंडरी रिलेशन, आपके जो ताल्लुकात होते हैं वो ज़ाती किस्म के नहीं होते, बल्कि सेकेंडरी नेचर के होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स आर करेक्टराइज्ड बाय इंडायरेक्ट इम्पर्सनल कंट्रेक्चुअल एंड नॉन इंक्लूसिव रिलेशनशिप। इम्पर्सनल आर सेकेंडरी रिलेशन, सेकेंडरी ग्रुप आर करेक्टराइज्ड बाय इंटरेस्ट इम्पर्सनल कंट्रेक्चुअल एंड नॉन इंक्लूसिव रिलेशन, यूजुअली दे कम क्लोज टू ईच अदर फॉर अचीविंग कॉमन इंटरेस्ट। वो एक दूसरे के साथ इसलिए करीब आते हैं ताकि अपने जो मफादात हैं उनको हासिल कर सके, और इनका आपस में कोई कॉमन रिलेशन नहीं होता, कोई मतलब ख़ास किस्म का ताल्लुक नहीं होता, ना ही ये इनका आपस में ना ज़ाती होता है ना कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, बहुत कोई करीबी किस्म का ताल्लुक नहीं होता। जैसे मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल करेक्टर होता है, इस तरह से हम जो माँ बाप के बच्चे होते हैं हमारा उनके साथ पर्सनल रिलेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप के लोगों का इस तरह से कुछ नहीं होता। मेंबरशिप इन दिस केस इज मेनली वॉलंटरी, इंडिविजुअल्स आर एट लिबर्टी टू ज्वाइन आर टू गो अवे फ्रॉम द ग्रुप्स, देयर इज़ नो इमोशनल बॉन्डेज ऑन द मेंबर्स। के ये जो मेंबरशिप होती है इस केस में वो मर्जी से होती है, आप जिस किसी सेकेंडरी ग्रुप के चाहे मेंबर बन सकते हैं, और वो उनको आज़ादी होती है कि जब चाहे छोड़ दें, कोई जज्बाती तौर पर हम किसी को भी सेकेंडरी ग्रुप में पाबंद नहीं कर सकते। स्पेसिफिक एंड्स आर इंटरेस्ट, मेंबर ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप आर इंटरेस्टेड इन द ग्रुप्स जस्ट बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक एंड्स टू एम एट।
दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। इनके अलबत्त जो मकासद होते हैं वो ख़ास किस्म के होते हैं, इसलिए इनके इंटरेस्ट के बेसिस पर हम कहते हैं ये ख़ास मफादात या ख़ास किस्म के जो अपने इंटरेस्ट होते हैं उनको हासिल करने के लिए ये ग्रुप्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी कम्युनिकेशंस, कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशंस इन द केस ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप्स आर मोस्टली इनडायरेक्ट। टेलीफोन, इंटरेस्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर द मेन सोर्स ऑफ इट। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, माहदे होते हैं, इनकी जो कम्युनिकेशन होती है इस केस में वो बड़ी सेकेंडरी नेचर की होती है। ये आपस में ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, टेलीग्राफ, ख़तों कताबत के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसा प्राइमरी ग्रुप के लोगों का आपस में फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, जब चाहे मिल लें, बात कर लें, सेकेंडरी ग्रुप के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह की गुफ्तगु नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रिलेशंस बना सकते हैं। सोशल कंट्रोल, मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन दिस ग्रुप्स आर यूजुअली फॉर्मल। लॉस एंड अदर रेगुलेशंस आर इन्फोर्स्ड ऑन द मेंबर बाय द अथॉरिटीज। ये इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो कंट्रोल भी नहीं हो सकते, इनका बड़ा फॉर्मल सा होता है। कानून के ज़रिए, लॉज एंड रेगुलेशंस के ज़रिए इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप्स की करैक्टरिस्टिक्स हो गई। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर, दिस ग्रुप इज सेकेंड इन इम्पोर्टेंस। इनकी कुछ ज़्यादा जो आपस में ताल्लुक होता है वो इतना शदीद नहीं होता, इसलिए जो ये क्या हैं, ये सेकेंड नेचर के हैं। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? मेंबर ऑफ द सेम प्रोफेशन, मोहल्ला फेलोस, रेजिडेंट ऑफ द सेम विलेज, क्लास फेलो, प्लेमेट्स, रिलेटिव, मेंबर ऑफ द सेम पॉलिटिकल पार्टी, पीपल ऑफरिंग प्रेयर्स इन द मॉस्क, इन कॉन्ग्रीगेशन आर सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स। वो कहते हैं कि एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग, एक ही क्लास फेलोस और एक गांव में रहने वाले लोग, खिलाड़ी वगैरह, जैसे वर्ल्ड कप में होता है सारी टीमों के खिलाड़ी आते हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। लेकिन जो अपनी टीम होगी, जो पाकिस्तान की टीम होगी, पाकिस्तान की टीम के जो मेंबर होंगे वो उनका प्राइमरी ग्रुप होगा। लेकिन इंग्लैंड, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इनकी जो ग्रुप्स होंगी वो क्या होंगी, वो सेकेंडरी ग्रुप्स होंगी, क्योंकि होंगी तो सारी क्रिकेट टीम्स लेकिन उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो मज़ीद मैं आपको एक आपकी स्क्रीन पर डायग्राम नज़र आ रही होगी उससे मैं आपको समझाती हूँ कि इनका इंडिविजुअल्स रिलेशन वगैरह कैसे होगा। ग्रुप्स में होगा प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज रिलेटिव्स। इसकी मिसाल के जो हमारा ख़ानदान होता है, जो हमारा फैमिली है, ये हमारा प्राइमरी यूनिट है, ये हमारा बेसिक ग्रुप है। और दूसरे हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जैसे मामू, खाला, फूफी, ताई, चचा, चाची, जिनसे हम मिल सकते हैं, दादा दादी, ये क्या हैं, ये हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसमें किनशिप ग्रुप एंड रिलेटिव्स, यानी कि जो हमारे मतलब बचपन के यार दोस्त होते हैं और दूर के जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इसमें ज़्यादातर इमीडिएट नेबरहुड एंड कम्युनिटी, हमारे जो बिल्कुल घर के आजू बाजू के हमसाए होते हैं और जो हमारी कम्युनिटी होती है वो लोग होते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रुप में हमारा सिटी, हमारा रीजन, हमारा नेशन वाइड लार्जर कम्युनिटी, हमारा पूरा पाकिस्तान क्या है, हमारा सेकेंडरी ग्रुप है। अगर आप लाहौर के लोग हैं तो लाहौर, पूरे लाहौर का जो ग्रुप होगा बतौर शहर वो सिटी होगा, सिटी ग्रुप होगा और वो सेकेंडरी ग्रुप होगा। इसके बाद है इनफॉर्मल फ्रेंड्स एंड प्ले ग्रुप, यानी कि जो हमारे गैर रस्मी से दोस्त होते हैं, हमारा जो प्ले ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। और लार्ज स्केल एसोसिएशन एज रिलीजन, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होता है इसमें जो ताल्लुक होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द लार्ज एसोसिएशन का होता है। इसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलेशंस इन कंटेम्प्रोरी सोसाइटीज, मौजूदा वक्त की जो माशरे हैं इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का क्या अहमियत है। इन द रूरल सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी द एम्फेसिस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन्स विद इन प्राइमरी ग्रुप एंड इज रिट्रीटेड टुवर्ड्स सेकेंडरी विद आलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द टेरिटरी रिलेशन।
In the contemporary modern society, the ideal function of these groups have shown opposite trend. It is due to advancement in technology that the industrialization, education, and urbanization factors have brought a change in interactions pattern to the effect that close contact, which was restricted more to primary group, is being shifted to the secondary and to the development of the tertiary. In it may be owing to the shifting of the roles from primary to secondary and tertiary group, which is transfers of the interest. Wider social contact again has been enhanced by the rapid and speedy means of communication of the modern world. All this may be due to increase in the variety of the needs which develop our relation extended to the outer and outer sphere of the world. Family have shifted some roles of socialization to the nursing centers, daycare centers, school, and other closely related institution of the community. पहले मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है. प्राइमरी ग्रुप ये होता है कि जिसका इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, फेस टू फेस होंगे, आपस में वी फीलिंग होगी, मफादात होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे वक्त में साथ देंगे और सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, सोशलाइजेशन करेंगे, बच्चों को समाज में चलना फिरना सिखाएंगे. फिर मैंने आपको सेकेंडरी ग्रुप बताया. सेकेंडरी ग्रुप लार्ज इन साइज़ है और इसका जो आपस में ताल्लुक है वो कम होता है. लेकिन जो आजकल हमारा वक्त चल रहा है ना, जैसे दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड की शक्ल अख्तियार कर गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमसे पहले आ चुकी है, मज़ीद इनकलाब दुनिया में आते जा रहे हैं, रोबोट इंसान की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रही है, तो वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी ग्रुप था जिसका काम सोशलाइजेशन था, अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन था, वो कह रहे हैं कि इसकी जगह भी ना डे केयर नर्सिंग ने ले ली है कि माँ अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ देती है, सारा दिन वो बच्चे को खिलाते हैं, माँ जॉब करके वापस आ जाती है. तो एक जो मतलब पुराने वक्तों की माँ थी वो बच्चे को जिस तरह से पालती थी, आज जदीद दौर की माँ अपने बच्चे को वैसे नहीं पाल सकती क्योंकि उसने कमाना भी है, उसने बच्चे को खिलाना भी है, उसने बच्चे को पालना भी है. और अगर वो सारा दिन बच्चा पालेगी तो वो कमाएगी कैसे. तो वो कह रहे हैं कि पहले जो सेकेंडरी ग्रुप के लोग होते थे उनका आपस का जो ताल्लुक होता था वो नहीं हो पाता था, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था. लेकिन अब तो इमरान खान एक वीडियो लिंक के ज़रिए पूरे मुल्क से खिताब कर सकता है. तो अब जो सेकेंडरी ग्रुप है उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका है. सोशल मीडिया के ग्रुप, फेसबुक का पेज, इससे लोग एक दूसरे के साथ बड़े फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं. तो लिहाजा आप, वो कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी ग्रुप है या प्राइमरी ग्रुप है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में जो मौजूदा डिवेल्प सोसाइटीज़ हैं इनमें इनका किरदार बहुत हद तक तब्दील हो चुका है और हर ग्रुप का अपना अपना स्टेटस है, अपना अपना क्राइटेरिया है.